अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह भी ठीक ठाक है। अपने इलाके अपने शहर में मौजूद है, जिस तरह हमने काफ़ी वीडियो आपके साथ अपने इलाके की शेयर की। तो ये हमारे नए फार्मर भाई हैं और इन्होंने काम वगैरह शुरू किया है। तो पहले भी हमने विजिट किया था इस फार्म पर, जिन्हें कि जिस तरह हमने बताया कि ये हमारे ही इलाके में, तो हमने इधर से गुजरते हुए देखा फार्म बन रहा है। तो अभी फार्म उस वक्त बना था तकरीबन एक से डेढ़ माह पहले हम यहाँ पे आके विज़िट किया था। तो अब माशाल्लाह इनके पास जानवर हैं, इनसे बात करते हैं। इनका जो फार्म का जो निज़ाम है वो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा है। इनसे पूछते हैं इसके ऊपर टोटली खर्चा कितना है, क्या क्या इन चीज़ें लगा के एक फार्म अच्छा बनाया, किस तरह एक अच्छा शेड सस्ता लो कास्ट लो कास्ट बनाया जा सकता है। इनकी माशाल्लाह बाउंड्री की बात करें, वो भी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है और अच्छे तरीके से जो है कि हर चीज़ का इन्होंने ख्याल रखा हुआ है। तो चलिए इनसे बात करते हैं, इनके पास माशाल्लाह काफ़ी है। तो मालिक हमारे साथ मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, सुनाए क्या हाल है? ठीक ठाक। हाँ जी ठीक ठाक, शुक्रिया। सर हमें ये बताएँ कि आपने आइडिया कहाँ से लिया कि गोट फार्मिंग शुरू की जाए? आइडिया वैसे जेन ने अपने काम किया, कोई कारोबार करने वास्ते जो है कोई काम करना चाहिए। जी जी, जिस तरह जो है कि आपका आपने सोचा कि जिस तरह लोग काफ़ी लोग गोट फार्मिंग कर रहे हैं, ये रुझान बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन। हाँ जी, तो इसमें प्रॉफिट है इसीलिए रुझान बढ़ रहे हैं। अगर इसमें प्रॉफिट ना होता तो ये बिल्कुल भी आगे ना बढ़ता। सर हमें ये बताएं कि जो आपका ये शहर है, सबसे पहले इसके ऊपर हम बात करते हैं, इसके ऊपर आपकी लागत कितनी आई है टोटल? तकरीबन 5 लाख रुपये। 5 लाख रुपये कितने बाई कितने का है? ये 100x18 का। 100x18 का है और इसमें एक कमरा भी है, तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने बनाया है। सर हमें ये बताएं कि आपने जानवर किधर से खरीदे हैं? भावल नगर की मंडी से खरीदे हैं, लोकल आपने लोगों के पास जाकर? नहीं, मंडी से खरीदे हैं। ठीक है, मंडी में आपने जानवर किस तरह खरीदे हैं? लाटों के हिसाब से, जिस तरह रुझान है, जिस तरह लोग कर रहे हैं लाटों के हिसाब से बेचते हैं, 20 जानवर की लाट, 50 की लाट? हाँ जी बिल्कुल, इस तरह ही। तो हमें आपने बताएं, हमें आप बताएं किस तरह आपने जानवर किस तरह खरीदे हैं, एक एक करके? नहीं, ये तकरीबन 10 एकड़ ही लेने, तकरीबन 20 एकड़ इस तरह। आपने भी लाट की शक्ल में ही लिए हैं, 10 एक के पास, 4-5 एक के पास? हाँ जी। टोटली कितने जानवर माशाल्लाह आपके पास मौजूद हैं अभी? तकरीबन 50 के जानवर आपके पास मौजूद हैं। तो अगर आप हम आपसे पूछते हैं कि आपके फार्म पे पहुँच फी जानवर कितने जाना कितने पैसे का? 16,000 रुपये। 16,000 तकरीबन पड़ गया, और इनकी एज तकरीबन 4 से 5 माह या किसी की 6 माह है। हाँ जी। सर इसमें हम ये बताएँ कि मेल कितनी है इसमें और फीमेल कितनी है इसमें, बकरियाँ कितनी हैं, बकरे कितने हैं? 16 बकरियाँ जी, 30 बकरे। ठीक है, 16 बकरियाँ और 30 बकरियाँ आपके पास। ठीक है, माशाल्लाह ज़बरदस्त। अपने इलाके से भी कुछ जानवर आपने खरीदे हैं? हाँ। ठीक है सर, हम आप ये बताएं कि कितनी देर पहले आप इनको लेके आए थे? ये तकरीबन 3 दिन हो गए, तकरीबन 2-3 दिन हो गए इन्हें अपने पास आप लेके आए हैं। तो इनको आपने क्या ट्रीटमेंट इधर आके दिया है? हाँ जी, ट्रीटमेंट इन्होंने टीके लगा रहे हैं वगैरह, थकावट दे। जी जी, एंटीबायोटिक वगैरह आप लगा रहे हैं? हाँ जी। ठीक है, तकरीबन आप कितनी देर और लगाएंगे? ये तकरीबन 1-2 दफ़ा और लगाएंगे। ठीक है, बाद इनकी खुराक शुरू करेंगे अच्छी तरह से। ठीक है, ज़बरदस्त। आज आप लगाएंगे और 3 दिन हर शाम को 12 घंटे बाद आपको इनको एक दफ़ा एक एंटीबायोटिक की डोज आपको देनी पड़ेगी, और कोई बंदा भी लेके आता है उसको भी देनी पड़ेगी। हाँ जी। तो आप खुराक का क्या निज़ाम बनाएंगे? आपने फैटिंग के लिए लेके आए हैं या सेल्फ परचेजिंग के लिए लेके आए हैं? ईद के लिए तैयार करेंगे आप? हाँ जी, ईद के लिए भी तैयार करेंगे, लेकिन वैसे इधर भी हम कारोबार करेंगे। ठीक है, जो भी कोई बंदा आ जाए उसको पसंद आए को वो लेके जा रहे हैं? हाँ जी, क्योंकि आपने काम करना है प्रॉफिट के लिए, आपको प्रॉफिट मिलता होगा तो आप देंगे। हाँ जी। ठीक है, ज़बरदस्त हो गया। चलिए हम आपको जो है कि जानवर भी दोस्तों को दिखाते हैं, आपके जानवर माशाल्लाह कोई जानवर दिखाते हैं। तो सर उससे पहले हम आपके पास ये बात करेंगे, इनको आप इस टाइम ये क्या चारा वगैरह दे रहे हैं? चोखर, उसके बाद तूड़ी वगैरह, करा वगैरह। ठीक है, जंतर। जंतर की आप ग्रेजिंग करवाते हैं, चराई करवाते हैं बाहर की, या फार्म पे लेके आते हैं? फार्म पे लेके आते हैं। ठीक है, तो हमें ये बताइए खुरली आपने जो ये नई बनाई है अभी? हाँ जी, अभी बनाई है। तकरीबन कितने रुपये इसके ऊपर कॉस्ट आ गई है खुरली की? ये तकरीबन वैसे मोल अभी आप ही बनाई है खुरली, ऐसा नहीं 3,000 रुपये, 3,500 रुपये की खुरली मिल जाएगी। ये लकड़ी कौन सी लगाई इसमें? सफेद लकड़ी। ठीक है, सफेदा, और ये कीकर भी शामिल? हाँ जी, कीकर भी शामिल। ये आपने आपके अपने घर की ये जो है कि लकड़ी वगैरह थी, इस हिसाब से आपको तकरीबन मजदूरी वगैरह ही देनी पड़ी है। तो सर हमें ये बताएं कि अब आप क्या करना चाहते हैं, कि मज़ीद जानवर आप लेके आएंगे अपने फार्म पे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मज़ीद बढ़ाएंगे इस फार्म को। अच्छा, आप जिस तरह बताया कि आपका माशाल्लाह फार्म है जो वो बहुत ही बड़ा फार्म है, तकरीबन यहाँ पे 200-300 बकरी आराम से आ जाती है, और आपका इससे भी जो है शेड का साइज आगे भी जी। सर मैं ये बताएं, जो ये बाहर वाला जितना भी हिस्सा, ये कितना है, कितने बाई कितना या कितने कनाल बनता है?
ठीक है, तीन कनाल जमीन है जो बाउंड्री वाल आपने की हुई है जी, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त जाली भी लगाई हुई है एक हिस्से पे और इन्होंने बांस वगैरह से भी किया हुआ है। तो चलो दोस्तों हम जानवर दिखाते हैं, भाई के पास बहुत माशाल्लाह अच्छे जानवर भी हैं, वो भी आपको दिखाते हैं खूबसूरत जानवर। सर हमें जो सबसे खूबसूरत मेल है बकरा वो दिखाएंगे। तो दोस्तों ये इनके पास आपको मेल दिखा रहे हैं हम, ये माशाल्लाह इनके पास मेल है बहुत ही ज़बरदस्त है और दांत भी आपको खोल के चेक कराते हैं। तकरीबन 5 से 6 माह इनकी एज है, ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ करने वाले हैं। और इन्होंने ये लिए हैं अगली ईद के लिए, जो 21 में ईद आएगी उस ईद के लिए, 2021 के लिए इंशाल्लाह ये तैयार करेंगे। अभी ये थोड़े से सुस्त हैं और ये इनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, थकावट बहुत ज़्यादा और बारिश भी इनके ऊपर तकरीबन पड़ी है जिसकी वजह से ये थोड़े से अभी थके हुए हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि अच्छी तरह इनको मैनेज करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट ये दे जाएंगे। फीमेल भी आपको दिखाते हैं कोई खूबसूरत पकड़ के। दोस्तों ये फीमेल है, इनके पास पहले हमने मेल दिखाए हैं आपको, अब ये फीमेल है माशाल्लाह चिपटे सींगे ज़बरदस्त हैं और मक्खी चीज तकरीबन जो है कि ये एक साल बाद क्रॉस के लिए, वैसे तो 6 माह के बाद ये क्रॉस के लिए काबिल हो जाएंगी, हीट में आ जाएंगी। वैसे अगर ये इनको एक साल तक अपने फार्म पर रखते हैं, एक अच्छा ब्रीडर मक्खी चीना प्योर में छोड़ते हैं तो बहुत ही अच्छा जो है कि इनका ज़बरदस्त निज़ाम बन जाएगा, अच्छे बच्चे आ जाएंगे और अच्छा प्रॉफिट भी आ जाएगा। तो दोस्तों तो भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे ये सवाल करते हैं कि इन्होंने मक्खी चीनी का ही इंतखाब क्यों किया। सर हमें ये बताएं कि आपने मक्खी चीनी ही क्यों अपने जो है कि पसंद की, मक्खी चीनी का ही क्यों आप शो करना चाहते? बहुत खूबसूरत है और जड़ा ने काफ़ी जड़े ने ना बिक्री दाक ठीक ने, प्रॉफिट इन्होंने चंकी होंगी और कद बोत इन्हों का सही हों, चंगा हों कद बोत जी। दोस्तों इनका कहना यही है कि हमने इसलिए इसको पसंद किया कि क्योंकि इनको लोग पसंद भी करते हैं और ये मुनासिब कीमत में हमें भी मिल जाती है और आगे भी लोगों को मुनासिब कीमत में ये हम सेल करेंगे तो लोग पसंद भी करते हैं और इनकी कीमत भी अच्छी लग जाएगी और अच्छे तरीके से ये सेल हो जाएंगे। बनिस्बत दूसरी नागरी के उनकी शौकीन लोग होते हैं, ये इन्होंने काम अगर इनको किसी ने करना है तो इन्होंने मक्की चीनी का काम किया है फैटिंग के लिए। तो माशाल्लाह इनके पास फीमेल भी हैं, 15 से 16-17 फीमेल हैं और इनके ऊपर ये फार्मिंग भी करेंगे। फिर इंशाल्लाह जो फ्यूचर में होगा ये कि इनके पास अपने जानवर घर के मौजूद होंगे, फिर ये कि इनको लेना मार्केट से खरीदना बहुत कम पड़ेगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल बिजनेस टॉक स्पीकर को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी कोई हम नई वीडियो डालें वो आप तक बासूद आसानी बार वक्त वसूल हो जाए आप और आप अच्छे तरीके से नॉलेज हासिल कर सकें। तो ये लोगों को इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।